नमस्कार दोस्तों, एएसबी न्यूज इंडिया के डिजिटल पैनल आपके अपने फेसबुक पेज यूट्यूब चैनल अमरीश बालियान पर आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मुजफ्फरनगर में आज राष्ट्रीय लोकदल की बड़ी बैठक हुई, लोकसभा चुनाव के संबंध में चर्चा भी हुई और इस चर्चा में मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे पार्टी द्वारा हस्तिनापुर क्षेत्र के प्रभारी बनाए गए कुंवर नरेंद्र सिंह। कुंवर नरेंद्र सिंह जी पिछली बार मथुरा से गठबंधन के प्रत्याशी भी थे और खास तौर पर चार लोकसभा क्षेत्र की जिम्मेदारी मुजफ्फरनगर, बागपत, कैराना इनकी, इन सहित चार लोकसभा क्षेत्र और मेरठ की जिम्मेदारी कुंवर नरेंद्र सिंह जी को जैन चौधरी ने दी है। तो कौन सा, आप किस तरह का माहौल आप पश्चिम उत्तर प्रदेश में इस बार देख रहे हैं? नहीं, सुधार है, पहले से काफी जागरूक भी है जनता। देखिए, सबसे बड़ी समस्या है महंगाई और बेरोजगारी, जिसकी तरफ सरकार का कोई ध्यान नहीं है। ये मुद्दों से भटकाकर कभी जाति आधार पर हिंदू मुस्लिम, कभी मंदिर के आधार पर, कभी राम के आधार पर, कभी हिंदू कार्ड, तो इससे जनता को भ्रमित किया जा रहा है और मूल मुद्दे पे नहीं आ रहे हैं। किसान की उपज का उसको मूल्य नहीं मिल रहा, अब सम्मान राशि 2000 रुपये दे दी, अब 2000 रुपये से क्या होता है? डीएपी का कट्टा 1400-1500 रुपये का आ रहा है, यूरिया में आपने 5 किलो कम कर दिया, तो एक 2000 रुपये में तो दो कट्टे भी नहीं आते हैं, तो किसान कहां से तो बुवाई कर लेगा, कहां से उसकी उपज का उसको मूल्य? गन्ने में 20 रुपये बढ़ाएं, 20 रुपये से क्या होगा? छोंक लगा दिया इन्होंने। तो अब मैं समझता हूं किसान भी दुखी है और व्यापारी, ये व्यापारियों की पार्टी मानी जाती थी, हम बचपन से जनसंघ जब थी तो तब से ये था कि वैश्यों की पार्टी है, व्यापारियों की पार्टी, लेकिन आज व्यापारी भी दुखी है। मैं सब तो नहीं कह के, काफी विदेशों में गया हूं, घूमा हूं, तो वहां पर 12% से ज्यादा पूरे विश्व में कहीं जीएसटी नहीं है, पूरे विश्व में मिनिमम 5%, मैक्सिमम 12%, लेकिन इन्होंने 28 से शुरू करी थी, अब शायद लाके 18 पे या 22 पे या 20 पे रुकी हुई है। तो किसान, व्यापारी भी परेशान है, लेकिन अब उसकी मजबूरी है, उसकी एक पहचान बनी हुई है भारतीय जनसंघ के साथ, भारतीय जनता पार्टी के साथ, तो वो उसी के साथ जुड़ा हुआ है। बाकी लोगों को उनने धर्म के नाम पर, राम के नाम पर, मंदिर मुज्जे के नाम पर, हिंदू मुस्लिम करके अब इन्होंने बहका रखा है। लेकिन जहां तक विकास की बात है, 9 साल क्या 10वां साल चल रहा है, आप भी जागरूक हैं, भले ही आप पत्रकार हैं लेकिन आप जागरूक व्यक्ति हैं, नागरिक है भारत। मैं ये जानना चाहता हूं कि पिछले 9 या 10वां वर्ष चल रहा है, भारत में कोई भी एनआरआई ने या किसी भी विदेशी कंपनी ने एक नट बोल्ट बनाने का या सुई बनाने का कारखाना भारत में लगाया है? तो उसका नाम और स्थान बताएं और कारोबार कहां हो रहा है, किसने खोला है, उसका नाम बताएं। कितनी आपने इंडिया बना दिया, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, कितने इंडिया बन गए, लेकिन ढाक के 3 पात हो क्या रहा है? आज किसान का लड़का जो है, नौजवान बेकार है, अग्निवीर योजना निकाल दिया आपने, अग्निवीर योजना से क्या फायदा हुआ? 4 साल में बच्चा बाप के सामने रिटायर हो गया। मान लीजिए हमारे यहाँ उधर जाट कम्युनिटी में काफी बच्चे फौज में है, शहीद हुए बच्चे, शहीद हो के हमारे यहाँ कफन में आते थे, कारगिल में हुए बच्चे बहुत शहीद, तो आज तो जाट और ठाकुरों के बच्चे ज्यादातर सेनाओं में है, तो आज उनके पास काम करने को कुछ है ही नहीं सिवाय इसके के फौज में जाए वहां जाए। वहां भी आपने वो घटा के 18 साल से 4 साल कर दिए नौकरी, अब 4 साल में क्या तो आदमी कमाएगा और क्या घर लाएगा और क्या उसको गारंटी है कि उसके बाद जॉब मिल जाएगा सिवाय एक लाठी लेके या अगर बंदूक का लाइसेंस होगा तो दरबान किसी फैक्ट्री के सामने खड़ा हो जाएगा, या अडानी अंबानी ने कह दिया, टाटा ने कह दिया कि हम अपनी चौकीदारी पर रख लेंगे, तो क्या देश का जवान चौकीदारी करेगा? चौकीदारी तो हम वैसे ही रखवा देते हैं किसी को भी, हमने दुनिया भर के लड़के लगवा दिए, शॉप पाइप में लगवा दिए, गिन्नी में लगवा दिए, वैकमेट में लगवा दिए, पेप्सी की फैक्ट्री हमारे यहाँ, कोका कोला की है, अब तो संपर्कों से लगवा देते हैं हम, तो ये कोई तरीका थोड़ी है। आज बेरोजगारी कितनी भारी समस्या है, नौजवान आज जो क्राइम बढ़ रहा है उसके पीछे ये लोग ध्यान ही नहीं दे रहे। अरे बुलडोजर चलाने से या किसी के मकान को गिराने से विकास नहीं होगा, मैंने गलती की है, मुझे आप जेल में डाल दो, मुझ में गोली मार दो, लेकिन मेरे परिवार ने क्या गलती की? आपने उसका घर कैसे बुलडोजर से तहस नहस कर दिया है? ये कहां का न्याय है? उसको बड़ा भारी अप्रिशिएट किया जा रहा है कि योगी जी ने बुलडोजर चला दिया। अरे भाई, जब वो मकान अवैध था तो आपने जब बन रहा था तब क्यों नहीं रोका?
हमारे यहाँ एक वृंदावन मथुरा रेलवे लाइन जाती है, जयपुर के महाराज प्रथम जयसिंह ने वो लाइन डलवाई थी, वृंदावन में मंदिर बनवाया था उन्होंने, तो उसके लिए पत्थर आता था, उसके लिए रेलवे लाइन पड़ी थी मीटर गेज, वो उखाड़ के हेमा मालिनी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है कि उसमें वो ब्रॉड ग्रेज कर रहे हैं। अब ब्रॉड गेज में क्या है, वो 20 फुट रेज करके मिट्टी डाल के उस पर रेल की पटरी चलेगी, यानी कि हमारे शहर को दो भागों में बांट देंगे। उसका मैंने आंदोलन किया, धरना प्रदर्शन किया, इन्होंने वन फाइन मॉर्निंग ले जाके बुलडोजर चला दिया और वहां सभी जाति मेजोरिटी में मुसलमान रहते हैं मैं मानता हूँ, और मुसलमान वो हैं जो ये कबाड़े का सामान बीन बीन कर ला कर बेचते हैं और अपने बच्चों का पालन पोषण, और आज नहीं 70-70, 80-80, 90-90 साल पुरानी उन पे बैनामे हैं, रजिस्ट्रियां हैं, किसी ने कुछ नहीं देखा, बुलडोजर चल गया, करीब 500 घर, 400 घर, 470 घर बर्बाद हो गए, तोड़ के डाल दिए। हमने एजिटेशन किया, खूब उधम मचा, खैर वो काम बंद है, हेमा मालिनी जाकर रेलवे मंत्री से मिली, रेलवे मंत्री ने उसको काम को फिलहाल रुकवा दिया, तो रुका हुआ है। तो आज मुसलमानों को उजाड़ दिया आपने, इसलिए कि सिर्फ वो मुसलमान है, वहां पे और भी तो परिवार रह रहे हैं, उनको क्यों नहीं आपने तोड़ा। इधर वैश्यों की होटल बने हुए, एमएलए है खैरागढ़ का, उसका मकान बना हुआ है, होटल बना हुआ है, उसको क्यों नहीं तोड़ा। वो 15 फुट पे 55 फुट पे वहां का हेलीकॉप्टर वो उतरेगा, रनवे बनेगा। तो ये सब डिस्पैरिटी जो है, भेदभाव की जो राजनीति ये कर रहे हैं, मुसलमानों को मारो, हिंदुओं को बचाओ, या हिंदू, अरे उनको रोजगार दो, हिंदुओं को भी दो, मुसलमानों को भी दो। हमारे यहाँ भगवान कृष्ण की जन्मस्थली आज तक कभी कोई विवाद नहीं हुआ हिंदू मुसलमानों में, मुसलमानों की रोजी रोटी हिंदुओं पर चल रही है, वहां कबाड़े का काम करते हैं मुसलमान, मैकेनिक है 90%, और हमारे यहाँ तो भगवान की पोशाक बनाते हैं मुसलमान, कंठी माला बनाते हैं मुसलमान, तो ये सब प्रभु का काम कर रहे हैं। लेकिन इनको तो सिर्फ ब्रह्मा पैदा करना है, जो नया 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 सगुफा कोई ना कोई इनके हाथ लग जाता है उससे भ्रमित करते हैं दिमाग को, लेकिन ये नहीं है। देश आज 54 लाख करोड़ रुपया कर्ज था जो मनमोहन सिंह ने छोड़ा था देश का प्रधानमंत्री, आज 1,75,00,000 करोड़ रुपया कर्जा है विदेश का। भाई लोन लेके हम कब तक अपना मकान बनाएंगे, आज मैं आपसे पैसा ले लूं और अपना मकान बना लूं, शौक गाड़ी खरीद लाऊं, ऐशो आराम के साधन कितने देंगे, अल्टीमेटली हमें देना तो पड़ेगा ना, तो देंगे कहाँ से जब तक देश विकास नहीं करेगा, उन्नति नहीं करेगा, रोजगार नहीं बढ़ेगा, महंगाई कम नहीं होगी, तब तक देश विकास कैसे करेगा। तो इसलिए हमारी ये आपके चैनल के माध्यम से जनता से अपील है कि 14 जो 24 को आ रहा है ये सुनहरा अवसर, और अभी तक जो फीडबैक था ये 3 प्रांत ये जाने कैसे जीत रहे साहब, ये तो ईश्वर ही ना, मीडिया आप लोग भी मीडिया नहीं कह रहा था कि राजस्थान मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ ये जीतेंगे, लेकिन जीत रहे हैं भाई, अब वो उसका बूम मिल गया और उसके आधार पर अब ये मंदिर का समूफा छोड़ दिया, अब वो कल नीतीश बाबू पलटी नाम पलटी मार गए, तो अब ये ऐसे ही गिमिक्स कर रहे हैं। लेकिन नॉर्थ ईस्ट में उनकी सीटें कम होंगी, साउथ में उनकी सीटें कम होंगी, इंडिया गठबंधन की सीटें भले ही नीतीश चले गए बिहार में भी बढ़ेंगी, राजस्थान में भी बढ़ेंगी, राजस्थान में तो एक ही है, ओ सॉरी राजस्थान में तो एक भी नहीं है, मध्य प्रदेश में एक है, मध्य प्रदेश में भी सीटें बढ़ेंगी, छत्तीसगढ़ में भी बढ़ेंगी, यूपी में भी बढ़ेंगी। मेरा मान है कि 25 से 30 सीटें यूपी में गठबंधन की इंडिया की आएंगी, लेकिन हम लोग को मिलकर 1-to-1 फाइट होगी तभी बिखरे रहे, एंगल फाइट हुई तो सभी चौधरी चरण सिंह जी की, अजीत सिंह जी की और अब जैन जी हैं, चारू जी हैं, इन लोगों की सबकी कर्म भूमि है और उनका विश्वास है। मैं भी कुछ दिनों पहले वहां भी बागपत भी आया था, बड़ौत भी गया था, मेरठ भी गया था, तो वहां भी सब लोगों की मांग है, तो यहीं से चुनाव लड़ेंगे, तो ये सीटें तो निकलेंगी। इसके साथ साथ एक मैसेज और जाता है, सबसे बड़ा जो है ना मैसेज और लोकसभाओं में भी जाएगा, जैसे हमारे मथुरा में जाएगा जैन सिंह वहाँ से लड़ रहे हैं, तो वहाँ के भी लोगों में उत्साह उमंग पैदा होगी, तो इसलिए हम चाहते हैं कि यहाँ मजबूत जो भी उम्मीदवार हैं वो न लड़े, कोई और जो यहाँ का स्थानीय लड़े, जैसे यहाँ की सबकी मांग है। गठबंधन में देखिए ये है कि थोड़ा सा बड़े दल है वो, भाई हमारा छोटा दल है थोड़ा, तो अखिलेश जी से मैं भी कहूँगा, मेरा अनुभव अच्छा परिचय है, कहेंगे कि साहब करें, हमारे यहाँ 8 विधानसभा थी, हम 100% जीतते हैं अगर हमारा उम्मीदवार जैन सिंह का लड़ता है, जबरदस्ती उन्होंने ले लिया, एक वो संजय लाठार है तो जीत का रहने वाला, उसको वहां से लड़ा दिया,
वो चौथे नंबर वो आई एम आई सीट चाहिए। तो ऐसे ही यहाँ पे यहाँ के जनता की कार्यकर्ताओं की जो मैंने भावना देखी है वो ये मांग है कि यहीं का स्थान ही लड़े, या तो उनके परिवार का लड़े कोई एन जी के, और वो नहीं लड़े तो यहाँ का स्थानीय व्यक्ति लड़ना चाहिए। उसके साथ साथ यहाँ का समाज है, जनता है, कार्यकर्ता है। और मैं जो आया हूँ यहाँ वो दो कामों के लिए आया हूँ। एक तो बूथ मजबूत हो, बूथ पे काम होना चाहिए, 20 बूथ पर बूथ हमने स्लोगन देते हैं उस पर काम हो। दूसरा वोटर लिस्ट जो बनाई जा रही है उसमें ये देखा जाए कि वोट हमारे पूरे हैं कि नहीं, क्योंकि माइनॉरिटी के वोटों को ये कटौती करते हैं। इधर का मुझे नहीं मालूम, हमारे मथुरा में तो यही होता है, मोहल्ले के मोहल्ले का है। मेरे यहाँ मेरे एमपीएल एक बाकी बड़ी अच्छी पॉश लोकेलिटी है, कभी आप आइए स्वागत है। वहाँ पर मेरे घर में 42 वोट हैं, उन्होंने मुझे अपना फार्म हाउस के भी बनवा रखे। सिर्फ 8 या 7 वोट आए हैं इस बार विधान इसमें नगर पालिका के चुनाव मेयर का, सब वोट गए। और मैंने बैठ के बनवाए थे, बीएलओ एक महिला थी, वो शिक्षा में वो आई थी, उससे मुझे मिल भी गई जिस दिन वोटिंग हो रही थी, मैंने उसको डांटा भी। वो तो महिला थी, कोई दूसरा होता तो उसको मैं दिल बना देता, उससे तो जाकर मैं कुछ कह नहीं पाया। मैंने कहा आपने गलत किया, बोली नहीं सर मैंने तो, मैंने वो कहा है वो जिसमें मैंने दस्तक किए थे क्या हो सकता है तो ये चार पांच सीटें हैं। 7 में से कम से कम 5 सीटें जीते, ये हमारा लक्ष्य है। इसको हम सफलतापूर्वक कामयाबी हासिल करेंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। और कार्यकर्ताओं में जोश है, उमंग है जी। बाकी छोटी मोटी माइनर कार्यकर्ताओं की प्रॉब्लम होती है, वो तो हर जगह होती है, यहाँ भी है, हमारे यहाँ भी है, सब जगह। हर आदमी को संतुष्ट किया भी नहीं जा सकता है जी। हाँ, तो वो तो ये गतरोध घर में परिवार में बर्तन तो बचते हैं, तो ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन सब लोग चौधरी चरण सिंह जी की नीति और रीति में आज भी विश्वास रखते हैं और उसको कामयाब करेंगे, ये इनका संकल्प है। अच्छा सर, आप 4 लोकसभा सीटों के प्रभारी हैं जी, मेरठ, बागपत, मुजफ्फरनगर जी, इन 4 सीटों में से कितनी सीट आप मान रहे हैं कि भी इस बार गठबंधन जीत पाएगा? मैंने तो 4 नहीं, मैं तो 7 में से 5 कह रहा हूँ, मैं इन 4 की बात कर रहा हूँ। 4 में देखिए, मेरठ तो मैं अभी ज्यादा मैंने अध्ययन नहीं किया, लेकिन बागपत जीतेंगे, मुजफ्फरनगर जीतेंगे और कैराना जीतेंगे, 4 में से 3 जीतेंगे। मेरठ का मैं अभी श्योर नहीं, क्योंकि मेरठ का इक्वेशन थोड़ा सा डिफरेंट है, कास्ट इक्वेशन भी डिफरेंट है, वहाँ शहर इलाका काफ़ी पड़ जाता है, शहर में मतदाता थोड़ा बीजेपी माइंडेड है, इसलिए इसकी गारंटी नहीं दे रहा। लेकिन 3 में तो देखिए, तबस्तुम हमने लड़ाई थी, जीती कि नहीं जीती, बाई इलेक्शन जो हुआ था, आप तो थे तब, हाँ मैं रहा हूँ 15 दिन रहा, ठाकुरों के गाँव गंगो और उधर थाना भवन उनमें रहा मैं, ठाकुरों ने वोट दिया जम के दल को, तो भी परिवर्तन आएगा, ऐसी बात नहीं है। हम यहाँ खतौली में रहे, खतौली में हमारे बुजुर्गों को वोट ढाबों ने दिए, तो ऐसा नहीं है, ढाबों में परिवर्तन है। विधानसभा में योगी जी के साथ है, विधानसभा में वो योगी जी के साथ रहेंगे, ठाकुर अपनी मर्जी से पूछे। वहाँ देखिए, अगर मथुरा में भी मैं पिछली बार लड़ा था, मुझे 3,89,000 वोट मिला, गठबंधन में प्रत्याशी था मैं, अभी देखिए अगर मौका मिला तो इनको जवाब देंगे। आप हेमंत जी के सामने चुनाव मैदान में थे, इस बार अभी चलो बीजेपी से चेहरा सामने नहीं है, लेकिन इस बार अभी तक तो के क्या माहौल आप देख रहे हैं? देखिए अभी तो माहौल निर्भर कर रहा है कैंडिडेट को। मथुरा की जनता का मन ये है कि अगर बाहर का कोई उम्मीदवार लड़ता है तो उसको आपकी मजा चखाएंगे, क्योंकि दुखी है। हेमा जी स्टार है, सेलिब्रिटी है, अच्छी नृत्यांगना है, लेकिन उनकी प्रायोरिटी पब्लिक की डिमांड नहीं है, वो रहती नहीं है, शी इज नॉट अवेलेबल, वो बॉम्बे रहती है, दिल्ली रहती है, या कहीं भी रहती है, उनकी प्रायोरिटी मथुरा की सेवा नहीं, सिर्फ नाम में राधा राधे है, मीरा है, लेकिन मीरा और राधा के लिए कर क्या रही है? उन्होंने राधा रानी का गांव है रावल जन्मस्थली, हालांकि बरसाना को भी मानते हैं जन्मस्थली, लेकिन पौराणिक हमन में उसमें रावल है, उसको उन्होंने गोद ले रखा है। आपको मैं दावत देता हूँ, बुलाता हूँ, आप मथुरा आइए और रावल को देखिए। एक तो आरोप प्लांट लगाया था उन्होंने जो आज खराब पड़ा है, मैं भी राधाष्टमी पे गया था, एक पंचायत घर बनाया जिसमें आज मवेशी बैठे हुए हैं, भूसा भरा हुआ है। तो दो काम तो उन्होंने रावल में किए, सड़क नहीं है, बिजली की कोई सुविधा नहीं है, मंदिर जो ट्रस्ट का
अपना काम कर रहा है वो कर रहा है, बाकी डेवलपमेंट के नाम पर वहां पर मिलवटे सन्नाटा है। तो ये उनकी कार्यशैली है। एक मानागढ़ी लिया था हमने गोद, उसमें कोई काम नहीं हुआ। तो मेरा मतलब ये है कि हम ये चाहते हैं कि ऐसा प्रतिनिधि हो जो जनता के बीच में जाए, जनता के दुख सुख को सुने, जनता की बात करे। तो ऐसा कोई प्रतिनिधि अगर होगा तो शायद जनता उसको चुनेगी। और अगर फिर उन्होंने बात भी, अब एक मैंने सुना है कि वो महाभारत के जो कृष्णमणि थे नीतीश भारद्वाज, उनकी चर्चा चल रही है। अभी कंगना रनावत की चर्चा चलती है। तो बाहर के उम्मीदवार को अपनी मथुरा की जनता डाइजेस्ट नहीं करेगी। अगर बाहर का कोई आया तो मथुरा का स्थानीय व्यक्ति चुनाव अगर गठबंधन का लड़ा, 1-1 फाइट हुई, वो ही जीता। तो हेमंत मान लीजिए अगर तीसरी बार आई तो इस बार जीत की राह, गठबंधन की प्रत्याशी की राह बहुत आसान हो जाए, क्योंकि मथुरा की जनता नहीं चाहती कि हेमा मालिनी जीत। अब उन्हें हमें से बदबू आती है साहब, हमारे वो पास में खड़े होकर तो बात तो नहीं करती है, 40 लाख रुपए का तो परफ्यूम लगाती है वो। तो हमें आप में से उनको कहाँ, हमारा एक बताया विधायक थे बेचारे कारिंदा से गाड़ी में गए, उनको तो हवा खारिज हो गई, गाड़ी में से उतार दिए। उन्हें कहाँ पसंद है ऐसे लोग जो उनसे ज्यादा क्लोजनेस दिखाए। तो इसलिए उनकी प्रायरिटी मथुरा के नहीं है, इसलिए वो वहाँ रहना नहीं चाहती, वहाँ रहती नहीं है, सिर्फ भाषणों में राधे राधे। अभी आई थी वहाँ, उन्होंने एक ब्रज महोत्सव किया था, तो मोदी जी 3 घंटे वहाँ बैठे रहे, उनका नृत्य देखा उन्होंने और मंत्रमुग्ध हो गए उनका नृत्य देख के। तो अच्छी नृत्यांगना हो सकती हैं और होंगी और हैं, उस पर हम कोई डिबेट नहीं कर रहे, लेकिन वो जनसेवक के रूप में टोटली फेल। अच्छा, एक आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा क्षत्रिय समाज से, और उत्तर प्रदेश में माना जा रहा है कि अब क्षत्रिय समाज का एक तरफा रुझान बीजेपी की तरफ है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की वजह से, तो आप पर्सनली क्या महसूस करते हैं कि इस बार क्षत्रिय समाज, क्या खेती किसानों से भी जुड़ा आपका समाज है, इस बार क्या कुछ बदलाव देखने को मिला? देखिए, योगी जी से जुड़ा था पिछले चुनाव, ये बात सही है, लेकिन अब योगी जी के भी तो पंख कतरे जा रहे हैं, ये भी तो क्षत्रिय समाज सुन रहा है और देख रहा है, समझ रहा है। वो तो बीच में थोड़ा उनका गणित फेल हो गया, नहीं तो योगी जी को हटाए रहे थे, केशव प्रसाद मौर्य को ला रहे थे यहाँ, और अभी भी सुखवाहाट है, क्योंकि हर आदमी वो उनको खटक रहा है जो प्रधानमंत्री का दावेदार है। गडकरी उनने देखी, आपने उन्होंने कमेटी से उसको निकाल दिया। राजनाथ सिंह बिल्कुल किनारे पड़े हुए बेचारे, कहाँ हैं, वही मोदी को लेके आए और वही बदहाली पे आंसू बहा रहे हैं, उनको शायद हो सकता है इस बार टिकट भी न मिले। तो वो जो व्यक्ति प्रधानमंत्री का दावेदार दिख रहा है उनके सामने, उसको वो खतरा मान रहे हैं और उसके पंख कतर रहे हैं। योगी जी को शायद वो गोरखपुर से एमपी लड़ाएंगे, ऐसा सुना है मैंने जी। तो इसलिए उनकी भी पर वो तो थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया, ऐसा हुआ कि वो थे ना वो गोगा बैड़ी की हत्या हो गई थी राजस्थान में क्षत्रिय समाज के उकर्णी सेना के नेता, उनसे इनका बालकनाथ का विवाद हो गया था कुछ, तो कुछ ऐसा संकेत वहाँ के लोगों ने कहा कि शायद इनका भी हाथ है मरवाने का, बालकनाथ का, 12 वर्ष से एमपी थे। तो वो कारण रहा या कोई और कारण रहा, नहीं तो पहले तो ये था कि बालकनाथ को ही मुख्यमंत्री बनाया जा रहा था राजस्थान का। इसके पीछे दो वो थे, एक तो बाबा थे जो व्यवस्थाधारी, दूसरा वो यादव थे, वो यादव थे। तो मुझे ये मालूम नहीं था वो यादव थे, मैं मुलायम सिंह जी की कमी में गया था वहाँ, तो अखिलेश जी के पास ही बैठा था मैं, तो जब ये आए तो अखिलेश जी ने उठ के बड़ा सम्मान किया इनका, मैं समझा वो संत बाबा होंगे, मुझे नहीं मालूम था, तो मैं पीछे हट गया, मैं टेबल में बैठ गए, तो काफ़ी देर उठ उठ के बात करते रहे। तो आप बार कोई पीछे बैठे थे, मैंने उनसे पूछा मैंने कहा कौन सा, तो अरे आप नहीं जानते ना बालकनाथ है, अलवर से सांसद है। थोड़ी देर बाद कान में बुलाए यादव है, मैंने कहा कर होंगे बड़े आदमी है यादव होंगे, कोई लोग इससे हमें क्या फर्क पड़ता है। तो वो उनको बनाया जा रहा, तो यादव परिकोटा पूरा हो रहा था और बाबा का भी हो रहा था, और मध्य प्रदेश में इनका प्लान था बनाया गया नरेंद्र सिंह तोमर को जी। नरेंद्र सिंह तोमर का बनाना लगभग फाइनल था मुख्यमंत्री, तो ठाकुर से वो ठाकुर हो जाता रिप्लेस। तो योगी जी के पर कतरे जाने की पूरी तैयारी कर ली थी, तो बाबा से तो बाबा रिप्लेस हो गया, बैंक वर्ल्ड का मैसेज चला गया, जो यादव वहां बनाया इन्होंने मध्य प्रदेश में वो यही बन जाता, और तीसरा ठाकुर से ठाकुर आ गया, तो बाबा जी अब दिल्ली की तरफ कूच करो। तो ये बात हमारा समाज, मैं तो थोड़ा राजनीतिक बातें हो सकता है करता हूँ, लेकिन हमारे समाज तक ये बात है, बाबा के पंख कतरे जा रहे हैं, तो ठाकुर हताश, वो
बाबा अभी मुख्यमंत्री की रेस में है, वो प्रधानमंत्री की रेस में जुड़ जाए, इस बात को लेकर ये लोग सशंकित है। तो इसलिए इस बार ठाकुर का मन ऐसा नहीं है कि आंख बंद करके बाबा के नाम पर वोट दे देगा। तो ठाकुरों में भी अब है बदलाव, और मुझसे भी कह रहे हैं कि अगर आप लड़े तो हम आपको देंगे वोट, स्थानीय आदमी को देंगे वोट। तो देखिए क्या होता है, तो समय बताएगा, थोड़ा सा समय लगेगा, इसमें फरवरी फरवरी में तस्वीर साफ हो जाएगी, लेकिन फाइट होनी वन टू वन चाहिए। अब हमारी बहन जी थोड़ी सी विचलित है, अगर वो और आ जाएंगे तो हमें बहुत ताकत आएगी। हमारे पश्चिम उत्तर प्रदेश में उधर की तरफ हिंदी का बड़ा प्रभाव है, यहाँ हो सकता है इनका हो, रावण का, चंद्रशेखर रावण का, तो अपने सहारनपुर में हो सकता है, सहारनपुर मंडल के आसपास हो सकता है। आज हमारी उधर का जो जाटा समाज है, दलित समाज है, बहन जी से जुड़ा हुआ, और बहन जी अगर आ जाएंगे तो हमको बहुत बड़ी ताकत। बहन जी तो कह चुकी है इस बार, वो अब वो कहने में करने में बड़ा अंतर होता है। अभी देखिए बहुत पानी बहेगा, अभी दिल्ली दूर है, कोई चिंता मत करिए। बहन जी आई है हमारे साथ, गठबंधन में ही उनकी बातचीत अंदरूनी चल रही है। अब वो थोड़ी बेचारी वो है, कहीं बुढ़ापे में हम तो ईडी हाल भेज देते हैं। अब आप देखिए लालू को कल ईडी आ गई, कल 5 बजे शपथ लिया उसने, लालू के राष्ट्रपति का नोटिस आ गया, वो तेजस्वी भी जाएंगे। ये तो इनकी पॉलिसी है, तो इसीलिए अब आचार संहिता जब लग जाएगी तब आएगी।